इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। अभी गाड़ी पहली गाड़ी अभी आने वाली है। पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है। चार कदम और पीछे हो जाओ, चार कदम पीछे हो जाओ। जिस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है। और दुर्घटना के इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। अभी गाड़ी पहली गाड़ी अभी आने वाली है। हाँ, दोनों लाइन्स तैयार हो गई है, टेस्ट हो गई है और इनके ऊपर गाड़ी चलना अभी से चालू होगा। तो जो गाड़ी कैंसिल कर दी गई थी, अब सब वो कमर्शियल डिपार्टमेंट उन सब के बारे में ऑपरेशंस की पूरी प्लानिंग करके उस हिसाब से टाइम टेबल और सब पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने सबको। मन में बहुत दुख है, परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई, जिस तरह से देश का आपने सब पूरी टीम को बोलिए। देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो हमारा डाउन था वो तो फिटनेस उसका मिल चुका था 12:05 में, 12:05 में वो फिट हो गई है डाउन मेन लाइन। और जो मेजर डैमेजेस था वो अप लाइन का था, तो भी काम चल रहा है। ट्रैक लिंकिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो पटरी बिछाने का काम होता है वो कंप्लीट कर लिया गया, ऑलमोस्ट टूवर्स कंप्लीशन है। ब्लास्टिंग, स्लीपर जालने, छोटे मोटे टैंपिंग का काम है, वो सब पैरेलली चल रहा है। मेजर जो काम है वो TRD का है, क्योंकि उनके सारे वो टूट गए थे, मास्ट टूट गए थे, OHE सारा निकल गया था, तो वो काम भी चल रहा है, पैरेलली चल रहा है। इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जल्द से जल्द रिस्टोर हो जाएगा। अब बात करें अप एंड डाउन लाइन जी जी, देखिए डाउन लाइन तो ऑलरेडी रेडी है, अप लाइन का जल्द से जल्द किया जाएगा, विद इन फ्यू आवर्स ये हो जाएगा। सारा इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ही होगा, ठीक है। ट्रैक लिंकिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन अपलाइन का एक साथ होगा। डाउनलाइन टोटली फिट है, ट्रैक लिंकिंग भी हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन डाउनलाइन का 12:05 में हो गया था, अपलाइन का जो है वो अभी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हो जाएगा। वी विल गिव द अपडेट जैसे ही हमें रेडी होता है जी। जी देखिए, जो CRS इंक्वायरी होती है वो एज पर मैनुअल वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। एवरी केसेस ऑफ कोचिंग ट्रेन का एक्सीडेंट होता है उसको CRS करते ही करते हैं, तो वो पैरेलली चलेगा। और सारे एस्पेक्ट को कवर करने के लिए CBI का भी इंक्वायरी होगा, ताकि सारे एस्पेक्ट को होलिस्टिकली कंसिडर किया जा सके, कुछ एंगल छूटे नहीं। देखिए बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द होगा, अभी हम लोग बता देंगे, जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। क्या आज या
हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द करें, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली सारे मिनिस्टर साहब भी, CRB, GM, PHOD, सारे रेलवे बोर्ड के अधिकारी सब लोग साइट पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी जितना मैन पावर मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है सारा लगा हुआ है यहाँ पे। दो जोन्स की टीम, दो तीन चार डिविजन्स की टीम यहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रही है। तो वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर इट एज अर्ली एज पॉसिबल। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.